कि आप तो कहते थे कि आपकी मोहब्बत की दुकान है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मोहब्बत की दुकान तो किसी भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर की दुकान नजर आ रही है, जहां दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पी जाती है, जनता की प्रॉपर्टी हड़पी जाती है और उसके बाद उसको अपने चहेते लोगों को अनुदान दे दिया जाता है। तो मेरा राहुल गांधी जी से साफ सवाल है कि आपकी मोहब्बत की दुकान ये इलीगल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में कैसे तब्दील हो गई मेरे भाई? अभी तक तो उसमें नफरती सामान मिलते थे, जहर बुझे सामान मिलते थे, अब ये इलीगल प्रॉपर्टी की दुकान भी हो गई। इसलिए हमारा साफ मानना है कि कांग्रेस पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और जमीनों के घोटाले में कुछ ऐसी कांग्रेस को जमीन से लगाव है कि जहां जहां सत्ता में आती है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, जमीन के साथ इनका विवाद जरूर जुड़ जाता है और जिस स्तर तक इनके सभी नेता इसमें आरोपित हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई आइसोलेटेड सिंगल केस है, जिसे एक कहते हैं ना कि एक हो तो समझाइए आके कूप ही में यहां भांग पड़ी है, यानी एक कोई हो तो समझाइए, यहां ऐसा लगता कुएं में भांग पड़ी है, या ये 99 के नशे में बहुत मदोशी थी ना कांग्रेस की, तो ऐसा लगता है कि जमीन को देखकर तो उनको ऐसा लगता है कि जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो जब से वो दीवाने बने हैं जो जोश के साथ 99 के खुमार के साथ, तब से वो गजब ढा रहे हैं और जनता पे कितना गजब और कहर ढाया जा रहा है वो हमारा साफ है। इसलिए हम कांग्रेस से सवाल कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि नैतिकता के आधार पे जिन लोगों ने जमीन वापस कर दी, क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जब आपने स्वीकार कर लिया कि यह जमीन गलत आवंटित थी और वह भी सीएजी की रिपोर्ट और कई कोर्ट की प्रक्रियाओं के शुरू होने के बाद, राज्यपाल के द्वारा परमिशन मिलने के बाद, तो कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और राहुल जी और सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ जमीन वापस करने से काम नहीं चलेगा।